हेलो गुड मॉर्निंग भाई, आई होप आप सब मस्त होंगे। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ जी टाउन मंडा। और आज के वीडियो के लिए नहीं, आज हम वैसे ही जा रहे हैं वृंदावन कृष्ण जी के दर्शन के लिए। तो बनिए रहिए आप वीडियो में। और एक डेढ़ घंटे का रास्ता है हमारे घर से, 1 hour 40 minutes, और 140 किलोमीटर। मेरे साथ बना है चौहान टाउन जो कैमरा के पीछे है, और मम्मी मामा जी और नानी जी। तो हम जल्दी से पहुंचते हैं वृंदावन और आपके भी दर्शन करवाते हैं कृष्ण जी के। बाकी बिहारी टेम्पल और 2-3 temple हम जाएंगे, और क्या क्या वहाँ हम घूमने वाले हैं आपको पूरा आज वृंदावन का टूर देता हूँ। चलो स्टे ट्यून्ड। हम 6:30 निकले थे, अब ऑलमोस्ट 8:30 हो गया। 2 घंटे लग गए हमें क्योंकि हम बीच में रुके भी थे, लेकिन अब हम वृंदावन के अंदर है और अभी बस कार पार्क करेंगे और फिर पहले मंदिर जाके दर्शन के लिए आपके भी दर्शन करवाते हैं। तो हम सबसे पहले राधा वल्लभ मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो काफ़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी दर्शन की बारी आने के लिए, तो वो कुछ देर के लिए पर्दा हटाते हैं और फिर वो दोबारा कर देते हैं। और अभी हम जाएंगे अंदर और वहाँ जाके कुछ देर बैठेंगे और ढंग से दर्शन करेंगे। तो हमारे एकदम नज़दीक से काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। यहाँ पर लोगों का जोश काफ़ी हाई है, और अंदर एक पंखा है जो लोग रस्सी से खींच के हिलाते रहते हैं जैसे हवा लगती रहे। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगले मंदिर की तरफ बढ़ गए हैं, जो कि बाकी बिहारी मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं अभी। और अंदर ही अंदर गलियों के थ्रू उसका रास्ता जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर भी हैं, तो इसलिए हमने अपने चश्मे और जो भी चीज़ें थी, फ़ोन सब कुछ पॉकेट में ही रखा था। ये रिकॉर्डिंग मैंने जल्दी से कर ली थी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि काफ़ी लोगों ने अपने फैमिली रिलेटिव्स सबके घूम गए, किसी की मम्मी नहीं मिल रही, किसी के बच्चे नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे मतलब आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि आप इकट्ठे मतलब हाथ पकड़ के चलो या बिल्कुल एक साथ चलो, क्योंकि आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा ही मतलब चिपक चिपक के सब चल रहे थे, बट सब लोगों की श्रद्धा इतनी ज़्यादा है कि कोई भी उस चीज़ से बॉदर्ड नहीं होता। और सब अब आ गए हम बाकी बिहारी मंदिर के अंदर। काफ़ी अच्छा सुंदर सजावट है ये मंदिर, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली मना थी, तो वो स्टेज पे सिर्फ फूल फेंक के मारते हैं जो भी लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो 2-3 बार उन्होंने मेरे को फूल मारे, लेकिन ये थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं ले पाया। यहाँ पे भी वो पर्दा करते हैं फिर हटा देते हैं फिर करते हैं, तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और हम बिल्कुल सामने तक गए। इसके बाद हमें पंडित जी अंदर लेके गए, जहाँ पे उन्होंने हमें प्रसाद दिया, और हमारे गले में ये ऑरेंज कलर की जो आप चुन्नी देख सकते हैं हम सबके ये बांधी। तो काफ़ी अच्छे बाकी बिहारी पे भी हमारे दर्शन हुए। इसके बाद हमने वृंदावन की फेमस आप देख सकते हो ढोकले, कचौरी और टिक्की, और यहाँ पे मीठी लस्सी भी बहुत फेमस है, और शिकंजी भी मिलती है। तो क्योंकि खाली पेट दर्शन किए थे, तो उसके बाद हमने जैसे ही बाहर निकले हम बाकी बिहारी से, यहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ हो तो आप यहीं से खाओ। और फिर जाते हुए हमारा फ्रेंड आदित्य, खतरों का खिलाड़ी, आप देख ही सकते हो इसने ये स्टंट किया, तो और किसी की तो हिम्मत हो नहीं रही थी, बट इसको आदित्य को डर नहीं लगता। तो ये ऐसे भी आपको वहाँ पे काफ़ी लोग मिलेंगे जो सांप लेके घूम रहे होते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो ज़रूर आइए। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे अब हम जा रहे हैं ताजमहल देखने आगरा, जिसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।